रश्मिका, वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल वी आर परफेक्ट। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड आज का हमारा जो टॉपिक है जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आइल्स राइटिंग पार्ट 2 टास्क 2। जी हाँ, हम आज ऐसे राइटिंग डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो बिफोर गोइंग अहेड डिस्कस कर लेते हैं कि जो ऐसे है, ऐसे की स्ट्रक्चर क्या है और कौन से टाइप के जो ऐसे हैं वो एग्ज़ाम में आते हैं। सो ऐसे का जो फॉर्मेट है उसमें तीन पार्ट्स होते हैं, जो मेन पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, सेकंड इज़ बॉडी एंड थर्ड इज़ कंक्लूजन। तो जो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, अब उसको कैसे लिखना है, क्या है उसका स्ट्रक्चर, वो हम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में आपको करना क्या है, एक तो जो सेंटेंस आपको दिया हुआ है आपको उसको पैराफ्रेज करना है। फर्स्ट सेंटेंस इज़ ऑल अबाउट पैराफ्रेजिंग। तो पैराफ्रेजिंग करनी कैसे है, तो देखिए जो भी आपको टॉपिक दिया होता है, ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। अभी देखिए आपकी स्क्रीन पे जो भी क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है तो वो किस बारे में है, तो आपने उस क्वेश्चन को देखना है। ठीक है, वो क्वेश्चन किस बारे में है, उसमें दो कीवर्ड्स हैं। क्या कौन कौन से हैं, एक तो है हिस्ट्री, ठीक है, दूसरा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इन दो कीवर्ड्स को छोड़ के आपके पास जितने भी बाकी सेंटेंस में जो भी वर्ड्स हैं, जो भी हैं, सारी जो लाइन है आपको उसको पैराफ्रेज करना है। सिर्फ कीवर्ड्स को सेम रखना है, अदरवाइज बाकी सबको आपने पैराफ्रेज करना है। ठीक है, फर्स्ट लाइन इज ऑल अबाउट पैराफ्रेजिंग। फिर आपको क्या करना है, आपको देनी है, आपको क्वेश्चन की टाइप समझनी है कि वो क्या डिमांड कर रहा है, क्या वो एडवांटेज डिसएडवांटेज टाइप्स है या फिर वो आपका व्यू मांग रहे हैं। ठीक है, तो अगर तो आपका व्यू मांग रहे हैं कि डिस्कस बोथ व्यूज जो भी आपको दिए हुए हैं, फिर आपका ओपिनियन मांग रहे हैं, तो फिर आपको अकॉर्डिंगली अपनी नेक्स्ट सेंटेंस जो है लिखनी है। देखिए अगर जब तक आपसे पूछा नहीं जाता क्वेश्चन में यू वर्ड कहीं भी नहीं आता, मतलब आपकी राय कहीं भी नहीं पूछी जा रही है, तब तक आपको कभी भी पूरे ऐसे में आई वर्ड यूज़ नहीं करना है, ना ही इंट्रोडक्शन में, ना ही किसी बॉडी पैराग्राफ में, और ना ही आपको कंक्लूजन में आई वर्ड यूज़ करना है। ठीक है, वन थिंग वेरी क्लियर। एंड इंट्रो के लास्ट में आपने देनी है थीसिस स्टेटमेंट। ओके, थीसिस स्टेटमेंट क्या है, वो एक्सप्लेन करती है कि आपके जो अपकमिंग पैराग्राफ्स हैं, जो बॉडी पैराग्राफ्स में या फिर जो आपका ऐसे है उसमें क्या होने वाला है, आप क्या समझे हैं स्टेटमेंट को, क्या आप स्टेटमेंट समझ गए हैं कि कौन सी टाइप का क्वेश्चन है और आपका आंसर किस तरह से होने वाला है। ओके, डोंट वरी, थीसिस स्टेटमेंट के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, ईच टाइप ऑफ ऐसे की थीसिस स्टेटमेंट आप कैसे लिख सकते हैं। ओके, तो जो इंट्रोडक्शन है उसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको मिनिमम 2 कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाने हैं। ओके, एंड ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के लिए भी एक डिफरेंट वीडियो में बनाऊंगी। ओके, नाउ मूविंग टू बॉडी पैराग्राफ्स। ओके, अब बॉडी पैराग्राफ्स किसी भी ऐसे में कितने हो सकते हैं, देखिए ये 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं एंड 4 बॉडी पैराग्राफ्स भी हो सकते हैं ऐसे में, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द क्वेश्चन कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। ओके, सो बॉडी पैराग्राफ्स में आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना है कि फर्स्ट जो भी बॉडी पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन होगी वो होगा आपका ओपनिंग सेंटेंस। ओपनिंग सेंटेंस क्या होता है, जो बताता है कि इस पैराग्राफ में क्या है। अभी एग्जांपल ले लेते हैं कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि पर्टिकुलर चीज़ है बी सी जिसके आपको एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पूछे गए हैं। ओके, एंड यू हैव डिसाइडेड कि आपने 2 बॉडी पैराग्राफ्स बनाने हैं, फर्स्ट में आपने एडवांटेजेस देनी है, सेकेंड में आपने डिसएडवांटेजेस देनी है। तो अभी बॉडी पैराग्राफ कैसे स्टार्ट होगा, आपका फर्स्ट होगा ओपनिंग सेंटेंस। ओपनिंग सेंटेंस क्या बताएगा कि आप टू बिगिन विथ, ये जो भी आपने कनेक्टर डिफाइन किया है कनेक्टर यूज़ करेंगे, फिर आप ओपनिंग सेंटेंस देंगे जिसमें आप बताएंगे कि इन दिस पैराग्राफ क्या है कि ए बी सी जो पर्टिकुलर टॉपिक है उसके वेरियस एडवांटेजेस हैं। ओके, ये होता है ओपनिंग सेंटेंस, जो बताता है कि आपके अपकमिंग पैराग्राफ में या आपके जो होल पैराग्राफ में क्या आप एक्सप्लेन करने वाले हैं। ओके, सिमिलरली जो उसका सेकेंड बॉडी पैराग्राफ होगा जो आपने डिसएडवांटेजेस के बारे में देना है, सेम कनेक्टर आप यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर आप ओपनिंग सेंटेंस देंगे कि जो भी एबीसी टॉपिक है आपका उसकी डिफरेंट या फिर वेरियस या फिर मैनी डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो आप उसके बारे में फिर इस पैरा में एक्सप्लेन करेंगे। तो ये होता है ओपनिंग सेंटेंस, जिसमें फर्स्ट लाइन होती है कि पैरा में क्या होने वाला है, आप क्या बताने वाले हैं। ओके, फिर आपका जो हर एक सेंटेंस होगा बॉडी पैराग्राफ का, हर एक सेंटेंस में आप कनेक्टर यूज़ करेंगे एंड कनेक्टर्स को आप रिपीट नहीं करेंगे। ओके, हर एक बॉडी पैराग्राफ में हर एक सेंटेंस आपका कनेक्टर से यूज़ होगा, इससे क्या होगा, आपका कोहेरेंस एंड कोहेजन बढ़ेगा, इसमें आपके जो मार्क्स हैं बढ़ेंगे। ठीक है, तो जो कनेक्टर्स हैं उसकी मैं एक डिफरेंट वीडियो डिफरेंट लिस्ट आपको प्रोवाइड करा दूंगी, ताकि आपको कनेक्टर्स रिपीट जो अगर हो रहे हैं, आप रिपीट कर रहे हैं तो वो भी एक नेगेटिव पॉइंट है, आपको कनेक्टर्स रिपीट नहीं करने हैं। ठीक है, मैं आपको काफ़ी सारे कनेक्टर प्रोवाइड कर दूँगी जिसमें आपको रिपीटिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सकते हैं। ये हो गए हमारे बॉडी पैराग्राफ्स के ओपनिंग सेंटेंस, देन आपका आइडिया, फिर आइडिया की एक्सप्लेनेशन। यस, हर सेंटेंस के सामने कनेक्टर होना ज़रूरी है, ठीक है। फिर आपने एक्सप्लेनेशन देने के बाद हर एक बॉडी पैराग्राफ आपका एक एग्जाम्पल के साथ ख़त्म होगा। ओके, हर बॉडी पैराग्राफ की लास्ट में आपकी एक एग्जाम्पल मस्ट होगी, ठीक है। एग्जाम्पल्स की क्या क्या टाइप्स हैं, कौन से एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं, एग्जाम्पल आपने बनाने कैसे, उसके स्ट्रक्चर कैसे बनानी है ताकि आपको उसके मैक्सिमम पॉइंट्स मिल सकें, मैक्सिमम बैंड्स मिल सकें। तो उसके लिए मैं एग्जाम्पल्स के लिए भी डिफरेंट वीडियो शेयर करूँगी। सो ये है हमारी बॉडी पैराग्राफ्स। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें बनाना है कंक्लूजन, लास्ट जो हमारा होता है। अब कंक्लूजन कैसे लिखें, देखिए कंक्लूजन में आप नोट कर लीजिए, ये चीज़ें मस्ट हैं, कोई भी नया आइडिया नहीं होगा। कंक्लूजन क्या होता है कि आपने जो अपने बॉडी पैराग्राफ्स में, जो भी अपने एसे में आपने जो भी मेंशन किया है, जो रीजंस दिए हैं, जो एक्सप्लेनेशंस दिए हैं, उसी को आपने एक कंप्राइज करके एक दो सेंटेंसेस में आपने लिखना होता है, ठीक है। तो कंक्लूजन में नो न्यू आइडिया, और कंक्लूजन में बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, वो एग्जाम्पल लिख देते हैं। कंक्लूजन में कोई एग्जाम्पल अलाउड नहीं है, कोई एग्जाम्पल आपने नहीं देनी है। कंक्लूजन में आपने सिंपल लिखना है, एक तरह की पैराफ्रेजिंग होती है कंक्लूजन, ठीक है। जैसे इंट्रो हमने जो क्वेश्चन हमें दिया गया था उसकी हमने पैराफ्रेजिंग करी थी, सिमिलरली जो कंक्लूजन होता है जो आपने लिखा है वो लेसन में, ठीक है। जैसे हमने बात करी कि कोई एबीसी टॉपिक है जिसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस आपने डिस्कस करने हैं, और आपने पूरे पैराग्राफ में डिस्कस कर दिए। तो कंक्लूजन में क्या आएगा, कंक्लूजन में कनेक्टर आएगा पहले, तो कनेक्टर के बाद आप बताएंगे कि इस चीज़ के ये एडवांटेजेस, जो भी मेजर आपने दो या एक आपने डिफाइन किया होगा वो आप लिख देना है, एंड डिसएडवांटेजेस की भी सेम, आपने एक दी है तो एक, दो दी है तो दो आपने लिख देना है, सिंपल। और कंक्लूजन में सेम, कोई न्यू आइडिया नहीं, कोई कुछ नहीं, जो भी आपको दिया गया, जो भी आपका जिस टाइप का ऐसे है, आपने अकॉर्डिंगली अपना कंक्लूजन मेंशन कर देना है। एंड कंक्लूजन में भी आपके दो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस मस्ट हैं, ओके। इंट्रो में दो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ईच बॉडी पैराग्राफ में आपके मिनिमम थ्री कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होने चाहिए, एंड आपके कंक्लूजन में भी दो मिनिमम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, मतलब आपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस ही बनाने हैं जो कंक्लूजन है उसमें, ठीक है। तो ये है हमारा फॉर्मेट, ऐसे को आपने कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। एंड अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि कितनी टाइप्स के जो एसेज हैं हमको क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में। हमारी जो फर्स्ट टाइप है वो है वन साइडेड एसेज, ओके। वन साइडेड मीन्स टू से ओके, इज इट अ नेगेटिव और पॉजिटिव डेवलपमेंट। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी स्टेटमेंट के लास्ट में ये पूछा गया है कि ये नेगेटिव डेवलपमेंट है या पॉजिटिव डेवलपमेंट है, या फिर सिनोनिम आ सकते हैं, इज इट अ गुड डेवलपमेंट और बैड डेवलपमेंट, ओके। सो इज इट अ पॉजिटिव ट्रेंड और नेगेटिव ट्रेंड, कुछ भी हो सकता है, इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। अगर आपको इस तरह से पूछा गया है कि गुड और बैड, कि पॉजिटिव और नेगेटिव, तो आपको एक ही साइड लेनी है, ओके। ऐसे नहीं है कि आपको दो पैराग्राफ्स बना देने, एक में आपने पॉजिटिव साइड्स लिख दी, एक में नेगेटिव लिख दी। आपने अपनी इंट्रो में डिसीजन लेना है, एंड अकॉर्डिंगली आपने थीसिस स्टेटमेंट देनी है कि अगर तो ये पॉजिटिव है आपके अकॉर्डिंग, तो आपने पॉजिटिव ही लिखना है। सारा आपका जो ऐसे होगा वो पॉजिटिव ही होगा, फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ भी, सेकेंड भी, एंड थर्ड भी। अगर आपने कह दिया कि नेगेटिव डेवलपमेंट है, जो भी आपको स्टेटमेंट टॉपिक दिया हुआ है, तो आपको नेगेटिव ही रखना है फिर उसको पूरे ऐसे में, कहीं भी आपने पॉजिटिव साइड मेंशन नहीं करनी है, ओके। इसको कहते हैं वन साइडेड ऐसे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन आप ले लीजिए, ठीक है, जिसमें आपको दो टाइप्स दी जाती हैं कि अगर जो स्टूडेंट्स हैं नाउ डेज, वो स्कूल में जाके पढ़ें वो बेटर है, या फिर वो ऑनलाइन स्टडीज़ करें वो बेटर है। तो दोनों ऑप्शन है आपके सामने, और लास्ट में पूछा गया है कि अगर जो ऑनलाइन स्टडीज़ है वो गुड डेवलपमेंट है कि नेगेटिव डेवलपमेंट है। तो अभी आपको स्कूल की स्टडी के बारे में कुछ डिस्कस नहीं करना है, सिर्फ अपनी पैराफ्रेजिंग में आपको एक लाइन यूज़ करनी है कि नाउ डेज ट्रेंड चल रहा है कि बच्चे स्कूल में भी पढ़ाई कर रहे हैं, एंड अदर ऑप्शन इज़ कि ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं, सिर्फ इतना ही। आपके पूरे ऐसे में बाकी स्कूल जाने वाली स्टडी के बारे में या जो हमारी ट्रेडिशनल स्टडीज़ के बारे में कोई बात नहीं होगी, सिर्फ बात किस चीज़ के बारे में होगी, क्योंकि ऑनलाइन स्टडीज़ के बारे में, क्योंकि लास्ट सेंटेंस जो पूछा गया है कि ऑनलाइन स्टडीज़ क्या है, नेगेटिव डेवलपमेंट है या पॉजिटिव है, इज इट अ गुड ट्रेंड और नेगेटिव ट्रेंड। तो आपका जो व्यू है, आप जिसके बारे में ज़्यादा आइडियाज़ दे सकते हैं, आपके माइंड में आ रहे हैं, ठीक है, वो टॉपिक आपने चूज़ करना है। गुड के बारे में आपके पॉइंट्स आ रहे हैं कि नहीं, ऑनलाइन स्टडी बहुत गुड है, बहुत अच्छा है, टाइम सेविंग है ना। अगर आपको लगता है कि आपके पास उसके ज़्यादा आइडियाज़ हैं, तो आप इसको पॉजिटिव ट्रेंड, गुड ट्रेंड ले लीजिए और फिर आपके तीनों बॉडी पैराग्राफ्स जो हैं आपके वो पॉजिटिव के ही रहेंगे। ओके, मैं तीन बॉडी पैराग्राफ्स क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अगर आपको 7 बैंड्स प्लस आपका टारगेट है तो आपको मिनिमम 3 बॉडी पैराग्राफ्स बनाने ही होंगे, कोई भी ऐसे के, ठीक है। ओके, फिर हम जो डिफरेंट काइंड ऑफ एसेज अब मैं डिस्कस करने जा रही हूँ तो इसके भी अलग अलग टॉपिक के अलग अलग एसेज के मैं आपको फिक्स करके कनेक्टर्स दे दूँगी। ओके, कितने बॉडी पैराग्राफ्स होंगे वो भी हम सेपरेटली डिस्कस कर लेंगे। सो ये था वन साइडेड ऐसे। वन साइडेड ऐसे में जब भी आपसे पूछा जाए पॉजिटिव ट्रेंड, नेगेटिव ट्रेंड, ओके, डू यू अग्री और डिसअग्री। अब अग्री और डिसअग्री में भी अगर आप अग्री हो गए हैं, ओके, या व्हाट इज़ योर ओपिनियन, आपका ओपिनियन एक ही हो सकता है, या तो आप उस चीज़ के फेवर में हो सकते हैं या फिर आप उस चीज़ को नेगेटिव डेवलपमेंट मान रहे हैं। तो आपने जो भी आपका थीसिस स्टेटमेंट हमने दिया है तो आपको पूरे ऐसे में वहीं आपका जो स्टैंड है, वहीं आपका जो ओपिनियन है, वही आपने बरकरार रखना है। दिस इज़ द की। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि इसको मिस नहीं करना है, जहाँ पर भी पूछा गया है, ठीक है, डू यू अग्री और डिसअग्री। अग्री कर रहे हैं तो अग्री ही रखना है आपको अपने आप को पूरे ऐसे में, डिसअग्री किया तो डिसअग्री ही रखना है। ओके, सेम रहेगा बाकी फॉर्मेट आपका, जैसे हमने इंट्रो दी है, थीसिस स्टेटमेंट देनी है, फिर आपने 3 बॉडी पैराग्राफ्स बनाने हैं। अगर आप अग्री वाले फेवर में हैं तो आपने फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ देना है, उसमें ओपनिंग सेंटेंस देना है, फिर आपने एक आइडिया देना है क्यों आपको लगता है कि वो पॉजिटिव या नेगेटिव, जो भी आपका आइडिया है या जो भी आपका थॉट है, क्यों है वो नेगेटिव या पॉजिटिव ट्रेंड। फिर आपने उसको एक्सप्लेनेशन देने के बाद आपने एक एग्जाम्पल ज़रूर ही देनी है। ओके, नोट डाउन कर लीजिए जो भी मैं स्ट्रक्चर आपको बता रही हूँ, ठीक है। सिमिलरली आपने जो सेकंड बॉडी पैराग्राफ है उसमें भी सेम एक ओपनिंग सेंटेंस होगी जो भी, फिर आपका सेकंड एक न्यू आइडिया होगा, ठीक है, फिर आपका थर्ड जो एक्सप्लेनेशन होगी, आपकी एक्सप्लेनेशन आपके ऊपर है, आप उसको एक सेंटेंस में दे सकते हैं या 2 सेंटेंस में दे सकते हैं। ओके, फिर आपको एग्जाम्पल देनी है। ओके, ये बात ध्यान में रखनी है कि हर बॉडी पैराग्राफ में 3 कम्प्लेक्स सेंटेंस, मतलब आपने ट्राई करना है कि आपका हर एक सेंटेंस कम्प्लेक्स ही हो, अगर आपका टारगेट स्कोर 7+ है तो। अदरवाइज अगर आपका टारगेट स्कोर ओनली 6 है या इतना आसपास के 6 से भी कम है, कुछ लोगों का स्कोर कम चाहिए रहता है, उनको 5.5 भी चाहिए रहता है, तो अगर आपका कम स्कोर है तो आप 2 बॉडी पैराग्राफ भी बना सकते हैं, वो भी सफिशिएंट है। ओके, फिर आपको कंक्लूजन देना है, सेम कंक्लूजन में भी आपको 2 कम्प्लेक्स सेंटेंस देने ही देने हैं, ठीक है। ये था वन साइडेड ऐसे। ओके, एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी आता है सेकेंड टाइप, जिसको हम लोग सेकेंड टाइप कह देते हैं बट मेरे लिए वो फर्स्ट टाइप ही है। उसमें आता है हाउ फार डू यू अग्री और डिसएग्री, ओके, या टू विच एक्सटेंट डू यू अग्री विद द गिवन स्टेटमेंट और डिसएग्री विद द स्टेटमेंट। सो हाउ फार आ गया तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स मिसगाइड हो जाते हैं, उनको कहा जाता है कि आप यहाँ पर पार्शियल अग्रीमेंट भी दे सकते हैं। अगेन मैं कहूँगी अगर आपका टारगेट स्कोर ओनली 6 है या 5.5 है, उससे भी कम है, तो आप पार्शियल अग्रीमेंट दे सकते हैं। बट अगर आपको ज़्यादा बैंड स्कोर चाहिए तो आप उसमें टोटली कह दीजिए, अपनी थीसिस स्टेटमेंट में दे दीजिए कि आई टोटली अग्री या आई फर्मली अग्री विद द गिवन स्टेटमेंट। तो आप अगर वन साइडेड होकर चलेंगे तो आपको मैक्सिमम बैंड स्कोर्स मिलते हैं। कि अगर आप पार्शियल अग्रीमेंट में चलते हैं, आपने कितना भी अच्छा से लिखा है, तो वहाँ पर एक रहता है कि आपको कम बैंड स्कोर्स मिलते हैं कि कंपेरेटिव टू द अगर आप वन साइडेड होते हैं। अब आपके ऊपर है कि अगर आपका टारगेट स्कोर कम है तो आप उसको सेकेंड टाइप मान सकते हैं कि पार्शियल अग्रीमेंट करना है तो। अदरवाइज आई विल सजेस्ट यू कि आप हमेशा वन साइडेड होएं इस तरह के ऐसे में भी, टू व्हाट एक्सटेंड डू यू अग्री और डिसअग्री। ओके, इसमें भी आप टोटली अग्री कर जाइए या फिर टोटली डिसअग्री हो जाइए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जिसको हम पार्शियल बोलते हैं, पार्शियल अग्रीमेंट टाइप्स ऑफ। नेक्स्ट है हमारा 3 साइडेड ऐसे। जी हाँ, 3 साइडेड हम किसको बोलते हैं, जिसमें बोला जाता है डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन। ओके, तो कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिए। अभी क्वेश्चन में आपकी अपनी जो स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रही है, आप जो देख पा रहे हैं, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक टॉपिक दिया गया है, लास्ट में पूछा गया है, या आपसे कहा गया है कि डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन। देखिए, इस तरह के ऐसे में आपको 3 बॉडी पैराग्राफ्स बनाने ही बनाने हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो डिस्कस बोथ व्यूज़ हैं, जो भी 2 व्यूज़ आपको दिए गए हैं, उसको आपको फर्स्ट व्यू का एक पैराग्राफ बनाना है, सेकेंड व्यू का भी एक पैराग्राफ बनाना है, देन आपका जो थर्ड बॉडी पैराग्राफ होगा वो आपका ओपिनियन होगा, आपकी क्या राय है। okay? आप अगर फेवर में हैं तो फेवर में भी दे सकते हैं, अगर आप जो भी बोथ व्यूज़ हैं, जिसके भी फेवर में आप अपना ओपिनियन देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं, देन आपको कंक्लूजन अपना देना है, ठीक है। ये हो गया 3 टाइप्स, थर्ड टाइप जो है हमारी 3 साइडेड ऐसे, ठीक है। फिर 4 साइडेड है, जिसमें आता है वेरियस क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिन दोनों का आपस में कोई डायरेक्ट लिंक नहीं होता है, तो आपको उसके लिए जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए, अगर 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं फॉर एग्जांपल हैप्पीनेस आपकी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है। सेकंड क्वेश्चन है कि लोग ज़्यादातर खुश क्यों नहीं हैं आज के टाइम में। अभी डायरेक्टली तो इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, तो आपको फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना है, हैप्पीनेस का जो हमने क्वेश्चन लिया है। सेकेंड बॉडी पैराग्राफ बनेगा आपका कि आज के टाइम में लोग हैप्पी क्यों नहीं है। तो जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, हो सकता है वो टोटली डिसकनेक्टेड हो, मतलब इंटरकनेक्टेड हो ही ना, टॉपिक ही डिफरेंट हो दोनों क्वेश्चंस का। तो आपको फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ बनाना है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना है, सेकेंड बॉडी पैराग्राफ बनाना है तो सेकेंड का आंसर देना है। सिमिलरली अगर 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो मल्टीपल क्वेश्चन टाइप बोलते हैं इसको। तो अगर आपको थर्ड क्वेश्चन भी पूछा गया है तो आपको थर्ड का डिफरेंट रिव्यू बनाना है। ओके, इसको बोलते हैं मल्टीपल क्वेश्चन टाइप जो होता है स्टेटमेंट, जिसमें आपको वेरियस क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो डायरेक्टली लिंक नहीं होते हैं आपस में। ओके, नेक्स्ट टाइप है हमारी डिस्कस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ओके, या फिर इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है डू एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेजेस। कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक दिया जाता है, फिर पूछा जाता है कि एडवांटेजेस उसकी ज़्यादा हैं डिसएडवांटेजेस से, या फिर उसकी डिसएडवांटेजेस ज़्यादा हैं एडवांटेजेस से। किसी भी तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, या फिर क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है डिस्कस बोथ व्यूज। तो ये हमारा हो गया बोथ साइडेड, जिसमें आपको दोनों चीज़ें ही डिस्कस करनी होती हैं। तो फर्स्ट ले लेते हैं, अगर तो सिंपल पूछा गया है, कोई एक टॉपिक दिया गया, बोला गया इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आप बताइए, तो आपको सिंपल इसको एस और ई एस का बहुत ध्यान रखना है आपने। अगर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पूछा गया है तो आपको 2 एडवांटेजेस देनी है एंड 2 ही डिसएडवांटेजेस भी देनी है। अगर पूछा गया है इसकी एडवांटेज क्या है एंड डिसएडवांटेज क्या है, तो आपको एक एडवांटेज देंगे तो भी सफिशिएंट है, एंड सेकेंड बॉडी पैराग्राफ में आप एक डिसएडवांटेज देंगे तो भी सफिशिएंट है। लेकिन अगर वहाँ एस लिख दिया उन्होंने, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस लिख दिया, तो फिर आपको 2-2 आइडियाज़ देने ही हैं और उनको एक्सप्लेन करना है। अच्छा, अगर पूछा गया है डू एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेजेस, या फिर डू डिसएडवांटेजेस ओवरवे द एडवांटेजेस। अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है कि एक चीज़ दूसरी से ज़्यादा है, तो आपको रेशो 3:2 रखनी है। ठीक है, अगर आपका टारगेट स्कोर 7+ है, 3:2 कैसे रखना है? अगर एडवांटेजेस ज़्यादा हैं तो आपने 3 एडवांटेजेस देनी है फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में, सेकेंड में आपने 2 डिसएडवांटेजेस देनी है। ठीक है, 3:2 सिंपल। अगर पूछा गया है कि एडवांटेजेस से कम है एंड डिसएडवांटेजेस ज़्यादा है, तो आपने डिसएडवांटेजेस 3 दे देनी है एंड एडवांटेजेस 2 दे देनी है। तो इस तरह से आपने फॉलो करना है 3:2 को। अगर आपको लगता है कि उन्होंने कुछ नहीं दिया है, ठीक है, आपका बैंड स्कोर भी 6 ही चाहिए आपको या 5.5 चाहिए, तो इस तरह से कर सकते हैं आप। 2 एडवांटेजेस दे दीजिए, जो भी चीज़ पूछी गई है, आउट वे या ओवर वे। अगर एडवांटेजेस है तो एडवांटेजेस 2 दे दीजिए, डिसएडवांटेज आउट वे कर रही हैं तो डिसएडवांटेजेस 2 दे दीजिए, एंड जो दूसरा और सेकेंड पोर्शन होगा जो कम देनी है हमने, वो आप उसमें एक आइडियाज़ भी दे सकते हैं। ओके, अभी मूविंग टू नेक्स्ट टाइप, प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन या प्रॉब्लम कॉज सोल्यूशन। इन दिनों में से कोई भी 2 चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, हो सकता है तीनों भी पूछी जाएँ। कोई भी एक एनवायरमेंटल इशू हो सकता है, कोई भी एक करंट इशू हो सकता है, सोशल इशू हो सकता है, एनवायरमेंटल हो सकता है, या कोई भी एक इशू जो होता है वो भी ले सकते हैं। उसके बारे में आपको बोला जा सकता है कि आप इसके कॉजेज़ क्या हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ठीक है, इस तरह से पूछ सकते हैं, या फिर पूछ सकते हैं इसके कॉज क्या हैं, इफेक्ट क्या हैं एंड सोल्यूशंस क्या हैं, इस तरह से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, या फिर आपको बोल सकते हैं कि क्या इससे प्रॉब्लम्स हो रही हैं, या फिर इसके सोल्यूशंस क्या आप सजेस्ट करेंगे। तो 2 बॉडी पैराग्राफ आप बना सकते हैं। ठीक है, इजीली आपके ऊपर है। अगर आप कंप्यूटर रिलेटेड IELTS देना चाह रहे हैं, अगर आपकी टाइपिंग स्पीड ज़्यादा है तो आप 4 बॉडी पैराग्राफ्स भी बना सकते हैं। अगर आपसे प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन ऐसे पूछा जा रहा है तो आप प्रॉब्लम्स के भी 2 भी बना सकते हैं एंड सोल्यूशंस के भी 2 भी बना सकते हैं। या फिर सिंपली आप टोटल 4 बॉडी पैराग्राफ बनाने की बजाय 2 बॉडी पैराग्राफ बना दीजिए, अगर आपको लग रहा है कि टाइम बहुत ज़्यादा चला जाएगा। ठीक है, पेन पेपर में आप इतना तेज़ नहीं लिख सकते हैं, तो आपने सिंपल फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में 2 प्रॉब्लम्स दे देनी है। ठीक है, सेकंड प्रॉब्लम की एग्जांपल भी मेंशन कर देनी है, फिर अपने सेकंड बॉडी पैराग्राफ में आपने उसके सोल्यूशंस दे देने हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये अटैम्प्ट करना है। अगर तीनों पूछा गया है, इसके प्रॉब्लम्स क्या हो रही हैं, ठीक है, इसके कॉज क्या हैं एंड इसके इफेक्ट्स क्या हैं, ठीक है, या सोल्यूशंस आपसे पूछ लिए गए, आपको तीनों जो भी टॉपिक्स पूछे गए हैं, तीनों ही पॉइंट्स को कवर करना है। 3 बॉडी पैराग्राफ्स बनाने हैं एंड हर बॉडी पैराग्राफ में आपने लास्ट में एग्जांपल ज़रूर देनी है। ओके, सो कंक्लूजन देना है लास्ट में आपने। ठीक है, जो भी आपने मेन रीजंस दिया होगा, जो भी आपने कॉज बताया होगा, जो भी आपने सोल्यूशन बताया होगा, वो आपने अपने कंक्लूजन में एक वर्ड आपने कर लेना है। ओके, सो ये तो हो गया फॉर्मेट हमने मेजरली यही जो 5 टाइप्स हैं हमारी जो एसएस की होती हैं, इसी को चेंज करके थोड़ा इधर उधर करके आपके जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे, तो आपको इस तरह से प्रिपेयर करना है कि जो हर तरह का ऐसे है उसमें कौन से कनेक्टर लगने हैं। तो मैं डिफरेंटली एक एग्जांपल लेके आपके साथ जो है हर तरह का जो ऐसे है मैं डिस्कस कर लूँगी। ओके, इन द अपकमिंग वीडियो। अभी जो मेन क्वेश्चन है कि आपको कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने हैं। विदाउट कम्प्लेक्स सेंटेंसेस आप 7+ नहीं अचीव कर सकते अगर आप ओनली कंपाउंड सेंटेंस ही बना रहे हैं अपने पूरे ऐसे में। ना आप कम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हैं, ना आप कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हैं, तो आपका बैंड स्कोर 7+ आपको लेना बहुत डिफिकल्ट है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, हिट द लाइक बटन, एंड अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद अदर IELTS एस्पिरेंट्स। See you soon.